हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके भी मोबाइल का इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर हालत हो जाता है तो कैसे ठीक करना है, इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। देख सकते हैं ये पूरा जो है कि दोस्तों मोबाइल यहां पे ग्लू जो रहता है ये छोड़ दिया हुआ है, जिसके वजह से कभी भी अगर आप इस प्रकार से मोबाइल करते हैं तो ये गिर कर आपका डिस्प्ले का पत्ता जो है टूट जाएगा और उसके बाद से आपको चेंज करना पड़ जाएगा, तो इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आप ओरिजिनल लगाने जाइएगा तो कम से कम 4 से 5 हज़ार के बीच में लगेगा, और अगर डुप्लीकेट लगाइएगा तो मिनिमम आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपको खर्च करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप 50 से 100 रुपया लगा करके कैसे आप ठीक कर पाएंगे, इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आप खुद से घर बैठे अगर करना चाहते हैं तो आपको एक पेस्ट खरीदना है। ये ग्लू है, देख सकते हैं, ये झनलीडा E8000 कंपनी से आता है। इसको अगर आप परचेज करते हैं तो 100 से 150 रुपये के रेंज में आसानी से कभी भी कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाता है, और इसी ग्लू के सहारे इसको अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हैं और दिखाएंगे कैसे करना है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक वैक्यूम प्रेशर बनाने वाला है, एक टूल्स है, और इसी टूल्स के सहारे इस मोबाइल पर अभी हम चिपका के जो है कि इसको अभी हम टेस्टिंग करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों प्रॉब्लम आता है जब कभी भी आप अपना मोबाइल गिराते हैं या फिर जब हार्ड गर्मी गिरता है, तो उस टाइम ये पेस्ट ऑटोमेटिक मोबाइल से यहाँ पे बैक पैनल से छोड़ देता है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा इसको अभी हमने यहाँ से उठा करके इसको साइड यहाँ पर ग्लू लगाना है, एकदम मिड फ्रेम में ही साइड से आपको ग्लू को लगाना है यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेस्ट को लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो इसका मिडिल फ्रेम है, तो मिडिल फ्रेम के जस्ट यहाँ पे साइड में ही हल्का हल्का यहाँ पे ग्लू को आपको लगाना है, और ध्यान रखिएगा ग्लू ज़्यादा अंदर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों डिस्प्ले भी आपका ख़राब हो सकता है। देख सकते हैं अभी हमारा डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रहा है, ग्लू अगर ज़्यादा अंदर डालिएगा तो डिस्प्ले में भी यहाँ पर दाग आ सकता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और दोस्तों इस मोबाइल को अगर हम चाहते हैं तो पूरा इसका बैक पैनल को निकाल करके और बैटरी भी निकालना पड़ता है, उसको भी हम निकाल करके कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोगों को बस दिखाने के लिए जो है कि मैंने ये प्रोसेस डायरेक्टली करके दिखाया हुआ है। इतना करने के बाद से आपको क्या करना है कि नायलोन रबर लेना है इस प्रकार से, और इस रबर के सहारे जो है कि आपको इस प्रकार से फिटिंग करना है। और इस प्रकार से रबर लगाने के बाद से दोस्तों क्या करना है कि आपको 4 या 5 घंटों तक आपको रबर को नहीं हटाना है। जब ये ग्लू अच्छे तरीके से सूख जाएगा तब जाकर के इसको आप रबर को रिमूव कर देंगे, और उसके बाद से दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम हो रहा था डिस्प्ले से लाइट निकलना या फिर डिस्प्ले बाहर आना, तो ये प्रॉब्लम आपका बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बगल में घंटी का आइकन है उसको प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपडेट करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।